हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है। और टैली प्राइम के अंदर सवाल है कि सर, स्टॉक आइटम बनाते समय ही अगर हमको क्वांटिटी ना नजर आए तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तो ये सवाल हमारे एक व्यूअर का है, जिनकी यही मतलब इन्होंने यही पूछा है कि स्टॉक आइटम बनाते समय ही, एक्चुअली इन्होंने तो लिखा है लेजर में क्वांटिटी ही नहीं आ रहा है, यानी स्टॉक आइटम के लेजर में क्वांटिटी ही नहीं आ रहा है, तो उस समय हम क्या करें। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, गेटवे ऑफ टैली से भी आप स्टॉक आइटम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ क्रिएट पे जाएंगे और सीधा सीधा आपको यहाँ पे नीचे नजर आएगा स्टॉक आइटम। तो जैसे मान लीजिए कोई एक स्टॉक आइटम है, जैसे लैपटॉप कर देते हैं लैपटॉप, तो ये लैपटॉप नाम से एक स्टॉक आइटम बना रहा हूं। और अगर आपको यहाँ पर यूनिट या क्वांटिटी नजर ना आए तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, सवाल यही है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में देखिए होता क्या है, यहाँ पर आप गलती कहाँ कर जाते हैं। देखिए, ये गलती एक्चुअली नहीं होती है, बल्कि ये जो है ना ऑफ रहता है। ठीक है, क्वांटिटी वाला जो यूनिट वाला जो सेक्शन है वो ऑफ रहता है, जिसके वजह से ये दिक्कत आती है। ठीक है, तो अगर ये ऑन रहेगा तो ये दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पहली बात। तो देखिए, यहाँ पर प्रोवाइड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ये जो है स्टॉक आइटम, तो ये यस है। तो अगर ये नो रहेगा तो स्थिति ऐसी बन जाएगी, तो यहां पर आपको दिखेगा ही नहीं कि क्या आपको यूनिट यूनिट वाला आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे में आप परेशान हो जाएंगे, क्वांटिटी वाला नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको करना क्या है कि जब भी आप बनाइए, चाहे जहां से भी बनाइए, आप डायरेक्ट भी बनाते हैं तो भी स्टॉक आइटम पे जैसे ही जाते हैं और आपको ना दिखाई दे, तो यहां से आपको क्या करना है, F12 की प्रेस करना है। F12 जैसे ही प्रेस करते हैं तो यहां पे दिया होगा प्रोवाइड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट UOM फॉर स्टॉक आइटम। तो यहां से यूनिट को यस करना है आपको। जैसे ही यस करेंगे, डबल क्लिक करेंगे या यस वाई बटन प्रेस करके एंटर करेंगे और इसको एंटर 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 लास्ट तक एंटर 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 करा के इसे एक्सेप्ट करा लेंगे, तो यहां पे आपको यूनिट शो होने लगेगा। देखिए, अब यहां पर आपको यूनिट भी शो हो रहा है। तो ये ऐसी दिक्कत अगर आपको आ रही है तो यहां से इसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बड़ा आसान है। देखिए, फिर से मैं दिखा रहा हूं एक बार, एकदम इसको क्लियर कर लीजिए कि आप कभी दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए परचेज ही कर रहे हैं, तो अब परचेज के दौरान दिखा रहा हूं कैसे ये होगा। जैसे मान लीजिए परचेज में आए, यहां पर आए, यहां पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाला, एंटर किया, यहां पर आएगा क्रेडिटर पार्टी का लेजर, तो ये क्रेडिटर पार्टी का आपने लेजर भी बना रखा है तो लगा लिया। ठीक है, और एंटर किया, अब यहां पर परचेज का लेजर, अब यहां पर आप स्टॉक आइटम बनाना है तो यहां पर अल्ट सी करके स्टॉक आइटम बनाते हैं। और मान लीजिए यहां पर वही चीज है, ठीक है, F12 की प्रेस कीजिए, अगर नजर आ रहा है, देखिए मैं इसको ऑफ करता हूं, देखिए ये दिया गया ना, सेट प्रोवाइड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ फॉर स्टॉक आइटम्स, तो ये यहाँ पे नो रहता है। तो अगर नो रहेगा तो यहां पर भी नजर नहीं आएगा, और यहां से आप बस यस कर लेंगे तो ये आपका काम हो जाएगा। यहां से यस किया तो देखिए अभी यहां पर नजर आएगा। तो यहां पर देखिए लैपटॉप बना रहा हूं, LAPTOP लैपटॉप, लेनोवो LEN लेनो हो गया, एंटर किया, यहाँ पर यूनिट आ गया। तो यहाँ पे NOS करके एक यूनिट बना लेंगे नंबर्स, ठीक है, फॉर्मल नेम क्या दे देंगे, नंबर्स दे देंगे, ये देखिए नंबर्स दे दिया, यहाँ पर एंटर किया। अब यहाँ पे क्योंकि डेसिमल प्लेसेस में कई बार पूछा जाता है कि सर डेसिमल प्लेसेस की क्या कहानी है, यहाँ पर कभी कभी दो या तीन रख दिया जाता है, यहाँ पर क्यों नहीं रखा जाता है, तो भैया लैपटॉप के केस में लैपटॉप 2.5, 3.25, 4.5 या 5.25 या डेसिमल अमाउंट में नहीं बिकता है या खरीदा जाता है। ठीक है, आधा लैपटॉप तो आप खरीदेंगे नहीं, जब भी खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है पूरा लैपटॉप खरीदेंगे, एक खरीदेंगे, दो खरीदेंगे या 5 बेचेंगे 4 बेचेंगे, 1 बेचेंगे, 2 बेचेंगे, 2.5, 1.5, 3.5 ऐसे तो बेचेंगे नहीं या खरीदेंगे नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे 0 रखा गया है। ठीक है ना, कंट्रोल ए करिए। और यहाँ पर चाहे तो स्टैंडर्ड रेट सेट कर सकते हैं, तो फिलहाल ये वीडियो स्टैंडर्ड रेट के लिए है ही नहीं। तो यहाँ देखिए सीधा क्वांटिटी में आ गया। अब मान लीजिए 5 की बात हो रही है, 5 परचेज किया गया है और एक पड़ा है कितने का, 70,000 का, तो यहाँ 70,000 डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसको कंट्रोल ले करके चाहे तो आप एक्सेप्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये वो तरीका है जिससे आपका क्वांटिटी वाला जो है ऑप्शन शो होने लगेगा। अगर नहीं शो हो रहा है तो यही काम आपको करना है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं कि पूरी बात समझ में आई होगी। जो दूसरा बड़ा कॉमन सा सवाल है कि सर आपके में डिस्काउंट शो हो रहा है, मेरे में डिस्काउंट नहीं आ रहा है, तो डिस्काउंट कैसे आएगा। अब एंट्री करते समय ही डिस्काउंट कैसे आएगा, जैसे मैं यहाँ पे परचेस की एंट्री कर रहा हूँ और यहीं पे डिस्काउंट लगा हुआ है, तो यहीं से अगर इसको ऑफ या ऑन करना हो तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, यही सवाल बनता है। तो सवाल का जवाब बड़ा सीधा सा है, आप सीधा सीधा कीबोर्ड से F11 प्रेस कीजिए। जैसे ही आप F11 प्रेस करते हैं
तो ये विंडो ओपन होता है कंपनी वाला, ठीक है ना, ये कंपनी वाला विंडो ही ओपन होगा और आपको F12 नहीं प्रेस करना है। जनरली स्टूडेंट्स गलती कहां कर जाते हैं, देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहां से F11 के बजाय F12 प्रेस कर देते हैं और फिर वो खोजना शुरू करते हैं, इसमें डिस्काउंट तो नजर ही नहीं आ रहा है। तो यहां देखिए सो फाइनल लेजर, सो बैलेंस, वाउचर, ये तमाम ऑप्शन नजर आएंगे आपको, टर्नओवर, तमाम चीजें नजर आएंगी, लेकिन यहां पर डिस्काउंट वाला ऑप्शन नजर नहीं आएगा क्योंकि डिस्काउंट वाला ऑप्शन यहां से नहीं ओपन होगा। तो कहां से ओपन होगा, तो कीबोर्ड से F11 करने से ओपन हो जाएगा डिस्काउंट वाला। तो यहां पे देखिए नीचे आइए, यहां पर ये देखिए, ये रहा आपका डिस्काउंट वाला ऑप्शन जिसको यस किया गया। अगर मैं इसको नो कर देता हूं, यहां से नो कर दिया, तो अभी नो करके कंट्रोल ए कर देता हूं एक्सेप्ट कराने के लिए, तो यहां से देखिए डिस्काउंट हट गया, पहले आ रहा था अब हट गया है। तो ये डिस्काउंट इस तरीके से हटाया जा सकता है, और लगाना हो तो फिर वापस से वही F11 की प्रेस करनी होगी आपको। तो देखिए मैं लगा के भी दिखा देता हूं कि कैसे इसको लगाना है, आसान है बहुत, एक बार समझ जाएंगे तो कर लेंगे। F11 प्रेस किया, अब यहां पर नीचे आइए, देखिए ये दिया हुआ है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, तो यहां से इसको यस कर दीजिए, यस कर दिया, कंट्रोल ए कर दीजिए, तो देखिए डिस्काउंट नजर आने लगा। अब इसका फायदा क्या है, यहां पर देखिए, यहां पर डिस्काउंट लगाइए, 2 लिख दिया, अब परसेंट में ही अपने आप ले लेगा। देखिए कुल मिला के 350,000 है ना, अब देखिए 2% का डिस्काउंट हुआ तो कितना हो गया, अपने आप घट करके 343,000 हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहां से आप डिस्काउंट ऑप्शन चालू कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि इसके बावजूद आप यहां से डिस्काउंट नहीं लगाना चाहते, मैनुअल डिस्काउंट लगाना चाहते हैं, तो इसको ऑफ कर दीजिए, F11 करिए और यहां से इसको ऑफ करना होगा। मैनुअल डिस्काउंट लगाने का प्रोसेस अलग है, कई बार इंटरव्यूज में यही सवाल पूछ लिया जाता है कि हमको यहां से डिस्काउंट ऑप्शन चालू नहीं करना है, मैनुअल डिस्काउंट कहां से चालू होगा वो बताइए। तो मैनुअल डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, यहां पर आना है नीचे और यहां पे एक लेजर क्रिएट करना है, ऑल्ट सी, लेजर क्रिएट करने की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट सी दबाइए। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं डिस्काउंट एट द रेट 5%, 5% लिख दिया। ठीक है, डिस्काउंट एट द रेट 5%, तो ये 5% का डिस्काउंट है। अब देखिए ये ऑलरेडी कह रहा है एग्जिस्ट, पहले से मौजूद है, तो मैं यहां पे डिस्काउंट एट द रेट कुछ और कर देता हूं, डिस्काउंट COUNT डिस्काउंट एट द रेट मैं कर देता हूं 2.5%। ठीक है, तो ये 2.5% का डिस्काउंट लगाएंगे और डिस्काउंट जाएगा किसमें, देखिए जब भी कोई पार्टी आपको डिस्काउंट देती है, हालांकि ये तो मैं परचेज में लगा रहा हूं, आपको सेल्स में लगाना है। ठीक है, तो यहां पे जब भी कोई पार्टी डिस्काउंट देती है, तो या तो जैसे मान लीजिए कि आप कहीं से सामान खरीदेंगे डिस्काउंट देंगे, तो वो उसका क्या होगा, खर्चा ही तो होगा, फायदा तो होगा नहीं भाई, कोई प्रोडक्ट पर डिस्काउंट देना वो खर्चा ही होता है, फायदा नहीं होता है। ठीक है, तो इसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे, क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ग्रुप कौन सा होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए, और यहाँ देखिए इनवॉइस राउंडिंग नाम का एक ऑप्शन दिया गया है, आप चाहे तो इनवॉइस राउंडिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन चलिए हम नॉट एप्लीकेबल करते हैं, यहां से एंटर करते हैं, एंटर करते हैं और यहां पर आ जाते हैं। आप देखिए यहाँ 2.5 है ना, तो आपको यहां पर देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहां पे 2.5 लिखते हैं, ठीक है, और जैसे ही एंटर करते हैं तो यहां और जो है जुड़ जाता है, 8,750 रुपए और जुड़ गया। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां माइनस लगा के लिखना है, -2.5%। ठीक है, ऐसे लिखना है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए अब ये घट गया, तो ये डिस्काउंट हो गया, तो ये मैनुअल डिस्काउंट हो गया। मैंने आपको वो डिस्काउंट जो ऑप्शन वाला होता है, जो कि टैली में ऑलरेडी होता है, वो भी लगाना सिखा दिया, और यहाँ पे नरेशन डाल दीजिए। ठीक है, द गुड्स हैव बीन परचेज, तो यहां लिख देता हूं द गुड्स हैव बीन परचेज, तो ये इस तरीके से लिख दीजिएगा। ठीक है ना, यही तो काम है। तो ये हो गया आपका परचेज का एंट्री, और यही सेम एंट्री इसी तरह की एंट्री सेल्स में भी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी कि ये सारी चीजें कैसे होंगी, तो एक एक चीज क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।